नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में आरे से कुडूस तक एक 80 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड ट्रांसमिटर नेटवर्क बिछाया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा। बेसिकली पिछले महीने मुंबई में एक काफ़ी बड़ा पावर ब्लैकआउट हुआ था, जिस कारण पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एकदम ठप हो गई थी, और गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना था कि ये प्रॉब्लम एक मेजर पावर ग्रिड में टेक्निकल फेलियर आ जाने के कारण हुआ था। तो इसी समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट पालघर डिस्ट्रिक्ट में 80 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाने की योजना बना रही है, जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 8000 करोड़ रुपये का खर्च करने वाली है। ये अंडरग्राउंड नेटवर्क 1000 मेगावाट पावर कैपेसिटी वाला होगा, जिसको अगले 3 सालों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अनाउंस किया है कि नेशनल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत वो एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का गठन करने जा रहे हैं। बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको अभी तक ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया का टेक्निकल टेक्सटाइल कंजप्शन 5 से 10% है, जो कि कई एडवांस कंट्रीज़ में 30 से 70% है। और गवर्नमेंट का मानना है कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल बेसिकली मेडिकल, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, स्पेस, डिफेंस, लगभग हर फील्ड में किया जाता है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए गवर्नमेंट नेशनल टेक्सटाइल मिशन पर काम कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की तरफ से, जहाँ पर अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी इंडिया के नॉर्थ, ईस्ट और सेंट्रल रीजन्स में उनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी और कई न्यू फैसिलिटीज़ में प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए 5,477 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि JSW सीमेंट की सब्सिडियरी कंपनी शिवा सीमेंट भी ओडिशा में 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हिट हुआ है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रीग्रोथ में काफ़ी बड़ा योगदान देने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी ऑयल इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में इंडिया की ऑयल इंडस्ट्री में $66 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट देश में फ्यूल इंपोर्ट को कम करने के लिए और नेचुरल गैस के शेयर को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया में LNG स्टेशंस को सेटअप करना, न्यू गैस पाइपलाइंस, बायोगैस प्लांट्स को सेटअप करना, LNG इंपोर्ट टर्मिनल्स को सेटअप करना और रिन्यूएबल एंड ई चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करना, इसी तरह के कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से इंडिया का एनर्जी कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और वैसे भी क्रूड ऑयल इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी सिरदर्दी है, तो ऐसे में नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के लिए एक काफ़ी अच्छा सब्सटीट्यूट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है टाटा सन्स की तरफ से, जहाँ पर टाटा सन्स तमिलनाडु में एक मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने का प्लान कर रही है, जिसमें टाटा सन्स एप्पल के लिए मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और बड़ी बात तो ये है कि टाटा सन्स गवर्नमेंट की PLI स्कीम के अंतर्गत इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए $1.5 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ 18,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इससे पहले भी टाटा ने यह अनाउंस किया था कि वो तमिलनाडु के होजर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि टाटा इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करे और युवाओं को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराए। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जहाँ पर रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पानीपत रेलवे स्टेशन की एग्जिस्टिंग डबल स्टोरेज बिल्डिंग को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में कन्वर्ट करेगी, और वहीं स्टेशन की वैकेंट लैंड में रेलवे कॉलोनीज का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पानीपत रेलवे स्टेशन दिल्ली NCR में एक मेजर जंक्शन होने के साथ साथ एक हिस्टोरिकल टाउन भी है, जहां डेली 40,000 से ज़्यादा कम्यूटर्स ट्रैवल करते हैं। तो इसी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पानीपत रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मंगलुरु कर्नाटका से, जहाँ पर कैनरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कर्नाटका गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि वो मंगलुरु IT पार्क प्रोजेक्ट पर काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि उनका कहना है कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा IT कंपनीज अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए लोकेशन की मांग कर रही हैं। दोस्तों कर्नाटका के मंगलुरु में एक IT पार्क को सेटअप करने के लिए लैंड अलॉट की जा चुकी है, लेकिन इस IT पार्क पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है,
और ये डिले होता जा रहा है। इस आईटी पार्क प्रोजेक्ट के लिए टीबीआर तो तैयार कर ली गई है, जिसके फेज़ वन में इस प्रोजेक्ट पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 2500 लोगों की होगी। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कर्नाटका के मंगलुरु में एक आईटी बेस्ड इकोसिस्टम को सेटअप करने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।